For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. दोस्तों सलमान खान की बहन ने कुछ महीनों पहले एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने सलमान खान की प्लस कैटरीना कैफ की, उसमें सलमान खान ने ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना था, गले में बो लगाई थी और कैटरीना कैफ बेबी पिंक कलर की एक ड्रेस में या गाउन में थी। दोस्तों बातें रिवील हो चुकी हैं, मैं बात कर रहा हूँ दिल दिया गल्ला सॉन्ग की। जी हाँ, वो उस समय दिल दिया गल्ला सॉन्ग शूट कर रहे थे और उन्होंने वो सेट से फोटो भेजी थी हमें टीज करने के लिए ऑब्वियसली। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि दिल दिया गल्ला के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मुझे पता चले हैं और आपके लिए लेकर आएगा आपका ये दोस्त एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। अली अब्बास जाफर ने ये बात कंफर्म की है कि ये जो सॉन्ग है ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग है, नंबर वन। नंबर टू, ये एक मैच्योर लव स्टोरी को रिप्रेजेंट करेगा जहां पर जोया और टाइगर का कैरेक्टर है वो मैच्योर हो चुका है, उनका लव का जो बॉन्ड है वो और आगे बढ़ चुका है दिखाएंगे वो। और अली अब्बास जाफर ने कंफर्म किया है कि ये जो सॉन्ग शूट किया गया है ये ओल्ड स्कूल मैनर में है। अब ये ओल्ड स्कूल मैनर कैसा होता है उसके लिए आपको पिछली काफ़ी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड में जहां पर ये इस तरीके के सॉन्ग शूट किए होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। किसी भी सॉन्ग की कोरियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट होता है सॉन्ग का और वो सॉन्ग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। इसी सॉन्ग में यानी कि दिल दिया गल्ला में सलमान खान और कैटरीना कैफ को इस बार अपनी उंगलियों पे नचाने वाली हैं वैभवी मर्चेंट। वैभवी मर्चेंट बॉलीवुड की एस कोरियोग्राफर है, बहुत बड़ी कोरियोग्राफर हैं, वो एक से एक बड़े स्टार्स के साथ काम करती हैं और मुझे लगता है ना कि वो यशराज की पर्सनल कोरियोग्राफर है क्योंकि यशराज की लगभग सब फिल्मों में उनकी कोरियोग्राफी होती है क्योंकि उनका काम ही इतना अच्छा है। वैभवी ने सलमान खान और कैटरीना कैफ को पर्सनली ट्रेनिंग दी शूटिंग से 4 दिन पहले, लेकिन शूटिंग से 15 दिन पहले से ही इस पूरे सॉन्ग की कोरियोग्राफी चालू थी। मतलब सलमान खान और कैटरीना कैफ प्रेप शूट कर रहे थे, मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे इस सॉन्ग के लिए और 15 दिन बाद फाइनली ये सॉन्ग शूट हुआ। हमें पर्दे पर लगता है ना दोस्तों कि सलमान खान ने अच्छा डांस नहीं किया, कैटरीना कैफ अच्छा डांस कर रही है, या कैटरीना कैफ ने अच्छा नहीं किया सलमान अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, इसके पीछे खून जलता है और सारी चीज़ें होती हैं तब जाके इतना अच्छा प्रोडक्ट सामने आता है। अच्छा, डांस फॉर्म की मैं बात करूँ तो इसमें डांस फॉर्म जो इस्तेमाल किया गया है वो है वॉल्स, वॉल्स WALTZ। ये एक डांस फॉर्म होता है, ये बॉल रूम डांस होता है, एक तरह से फोक डांस है जिसमें एक लड़का होता है एक लड़की होती है, लड़के का हाथ जो होता है राइट हैंड वो लड़की की कमर के पीछे होता है इस तरीके से और जो लेफ्ट हैंड होता है वो लड़की के हैंड को टच करता है, उन्हें पकड़े रखता है और वो इस तरीके से यूं करके डांस करते हैं ला 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 ला। अच्छा, वॉल्स डांस की अगर मैं बात करूँ तो बॉलीवुड में काफ़ी फिल्मों में आपने शायद देखा होगा, स्पेशली याद कीजिए डॉन 2 में था जिसमें ऋतिक रोशन आते हैं और वो प्रियंका चोपड़ा के साथ डांस करते हैं, दरअसल वो ऋतिक नहीं शाहरुख होते हैं। तो ये वॉल्स डांस फॉर्म है और काफ़ी मूवीज़ में इस्तेमाल होता है, हॉलीवुड की तो लगभग जितनी भी स्पाई थ्रिलर मूवीज़ होती हैं उनमें वॉल्स डांस होता है क्योंकि ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी फिल्म का। वेल लेट्स सी कि हमारे टाइगर में ये किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई इस सॉन्ग को लेकर। अच्छा दोस्तों, शूटिंग से 4 दिन पहले वैभवी मर्चेंट पर्सनल ट्रेनिंग दे रही थी सलमान खान और कैटरीना कैफ को। सूत्रों ने बताया कि कैटरीना कैफ तो बहुत क्विक लर्नर हैं, उन्होंने तुरंत स्टेप्स को पकड़ लिया और वो स्टेप्स को इजीली परफॉर्म कर रही थी। सलमान खान को थोड़ी सी दिक्कतें हुई क्योंकि भाईजान का डांसिंग स्किल यूनिक है लेकिन उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो कैटरीना कैफ ने अपने को डांसर यानी कि सलमान खान की काफ़ी मदद की शूटिंग के दौरान और प्लस शूटिंग से पहले। वाओ यार, मैं इस ड्रीम पेयर को ना हमेशा से ही ऑन स्क्रीन देखना चाहता हूँ। आपका क्या कहना है, आप दिल दिया गल्ला के लिए एक्साइटेड हैं? और ये रोमांटिक सॉन्ग है यार, रोमांटिक सॉन्ग है तो डेफिनेटली एक्साइटेड होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, राइट? और ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद लाया हूँ, बहुत मेहनत करी है यार, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो अगर अच्छे लगे तो। क्यों? क्योंकि चैनल आपका चैनल है, बंदा आपका बंदा है। मेरा नाम है राहुल भोज विद कैमरामैन दीपेश।